राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे 2022 दिसंबर मास में सिंह राशि को लेकर। सिंह राशि वाले जातकों को क्या फल प्राप्त होगा, क्या परेशानियां आ सकती हैं, क्या आपको परेशानियों के सामने करने पड़ सकते हैं, कौन कौन से लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं, इन सभी बातों को लेकर के आज हम आपसे बात करेंगे। तो सिंह राशि का जो स्वामित्व है वो सूर्य करता है। सूर्य अपने आप में एक पावरफुल ग्रह है, तेज ग्रह है, और वो ग्रह अपने आप को नर्वस नहीं होने देता। तो सिंह राशि वाले जातकों का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही होता है कि एक तो क्रोधी अधिक पाए जाते हैं। बात बात पर सिंह राशि वाले जातक क्रोध कर बैठते हैं। सिंह राशि वाले जातक छोटी छोटी बातों को बड़ा विशाल बना करके उसमें परेशानियों का सामना करने की क्षमता बना लेते हैं, क्योंकि खुद सूर्य के समान बनना चाहते हैं। सिंह राशि वाले जातक 2022 दिसंबर मास में इनका जो समय है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अष्टम घर में गुरु द्वादश राशि मीन राशि पर बैठी हुई है, स्वग्रही हैं, अच्छे हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा सहयोग बना रहा है। इधर बुध स्थान परिवर्तन करके मकर राशि पर जाएगा 3 तारीख को। 6 तारीख को शुक्र भी स्थान परिवर्तन करेगा दिसंबर मास में, तो उस समय भी आपको उथल पथल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बुध गुरु का शत्रु है। इधर सूर्य के स्वामित्व के कारण आपको व्यवहारिक रूप से आपका बहुत अच्छा होने वाला है। अच्छे मान प्रतिष्ठा का बनने के संयोग हैं, प्राप्त होने के संयोग हैं। व्यापार क्षेत्र में बहुत अच्छा संयोग बन रहा है, कोई नया कार्य खुल सकता है, अचानक लाभ हो सकता है। कई ऐसी समस्याएं जो अब तक चल रही थी उनको भी दूर होने की संभावना बनी हुई है। कारण क्या है कि पारिवारिक जो क्लेश हैं वो बढ़ सकते हैं। परिवार के लोग आपका सहयोग नहीं करेंगे, ये भी जरूरी है कि वो आपका सहयोग करें, लेकिन इस समय वो नहीं करेंगे, क्योंकि 4 तारीख के बाद जब बुध गुरु आपस में एक दूसरे पर दृष्टि देंगे तो वो सहयोग में कमी आएगी। जो अब तक सहयोग किया जा रहा था उस सहयोग में थोड़ी कमी आएगी, अर्थात आपको परिवार का सहयोग कम मिलेगा, हो सकता है ना भी मिले। सिंह राशि वाले जातकों को यात्रा टाल देनी चाहिए, यात्रा थोड़ी अशुभ हो सकती है, और उस यात्रा में अगर वो यात्रा आपके लिए है कहीं बाहर की, देश विदेश की, तो बिल्कुल ना करें। सुमंगल कार्यों में आपका धन खर्च होगा, मांगलिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के आपके समाचार समाधान बन रहे हैं, और इन्हीं के साथ आपके जीवन में कई ऐसी प्रवृत्ति उपलब्ध होंगी जिससे कि आप एक नया आयाम प्रारंभ करेंगे। रोजगार के साधन अच्छे रहेंगे, जो आपके पुराने साधन चलते आ रहे हैं उन पर विशेष ध्यान दें। नया रोजगार भी अगर आप खोलने की सोच रहे हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। सिंह राशि वाले जातकों को नौकरी करने वाले जो जातक हैं उनके जीवन में कुछ उपलब्धि प्राप्त होंगी, प्रमोशन भी मिल सकता है, सैलरी भी बढ़ सकती है, और कई ऐसे प्रकार हैं जो आप उनको अपने सीनियर को रिझाने का पूरा काम आप करेंगे। सीनियर लोग आपसे खुश रहेंगे, कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी, और ये समय आपके लिए बहुत अच्छा समय है। सिंह राशि वाले जातक कम से कम बोलने का प्रयास करें। वैसे आपका दिनचर्या का जो स्वरूप है वो बहुत ऐसा है कि आप बहुत कम बोलते हैं, काम की बात पर ही आप मंथन करते हैं। सिंह राशि वाले जातकों का थोड़ा सा कामी स्वभाव होने के कारण अपने स्वभाव में थोड़ा बदलाव लाने का प्रयास करें, जिससे कि आपके जीवन में कोई कलंक, कोई वैसी समस्या ना आए जिससे आपके जीवन को दूषित कर दें। और यही कारण है सिंह राशि वाले जातक अपने आप में पावरफुल समझते हैं और सूर्य के प्रताप के समान चमकते हैं। सिंह राशि वाले जातक दिसंबर मास में 2022 में कुछ ऐसे आयाम प्राप्त करने वाले हैं, नई खुशी प्राप्त होंगी, देश विदेश से शुभ समाचार मिलेंगे, प्रॉपर्टी वाहन आदि का सुख भी आपको प्राप्त होगा। कई प्रकार की समस्याओं से निजात पाकर के आपका जीवन
धन्य होगा। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।